सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फाइद मोहम्मद और मैं हूँ आपका अपना फिटनेस कोच। आज मैं बात करूँगा कैलोरी के बारे में। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि वेट लॉस के लिए क्या खाना चाहिए, कितनी कैलोरी खानी चाहिए, वेट गेन के लिए कितनी ज़्यादा कैलोरी खानी चाहिए, एक्सरसाइज में कितनी कैलोरी बर्न करनी चाहिए और लो कैलोरी डाइट, लो फैट डाइट, लो कार्ब डाइट, हाई कैलोरी डाइट, ये सब के बारे में आपने सुना ही होगा। तो कैलोरी होती क्या है? व्हाट इज़ कैलोरी? कैलोरी नाम से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम सभी लोग कैलोरी लेते हैं। कैलोरी एक एनर्जी है जो हमारी बॉडी को एनर्जेटिक, एक्टिव रखने का काम करती है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें भी मेरी कैलोरी बर्न हो रही है। मैं हाथ हिला रहा हूँ, इसमें भी मेरी कैलोरी बर्न हो रही है। आप जो अभी काम कर रहे हो, आप दौड़ते हो, रनिंग करते हो, चलते हो, इनफैक्ट आप नॉर्मल बैठते भी हो, आराम करते हो, सोते हो, तो हमारे अंदर के ऑर्गन भी काम करते हैं तो हमारी एनर्जी बर्न होती है। एनर्जी और कैलोरी दोनों एक ही है। एनर्जी को काउंट करने के लिए कैलोरी की ज़रूरत होती है। एनर्जी को काउंट करने के लिए एक यूनिट तैयार की गई है जिसका नाम है कैलोरी। अब हम जो खाना खा रहे हैं उसको कैलोरी में काउंट कैसे करेंगे? कैलोरी को काउंट करने के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो कि मेन होते हैं प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरी होती है और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। जी हाँ दोस्तों, 9 कैलोरी होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप जो खाना खा रहे हो उसमें कितनी कैलोरी है, उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हो। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि कैलोरी एक एनर्जी है। हम जो काम करते हैं, हम सोते हैं, बैठते हैं, हमारे अंदर के ऑर्गन्स भी काम करते हैं जिससे कि हम सोते हैं, उसके बाद भी हमको भूख लगती है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पर। साइनिंग ऑफ फाइद मोहम्मद।